हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे अ फेलो ट्रैवलर रिटन बाय एजी गार्डनर। यहाँ पर राइटर ट्रेन में चढ़ चुके हैं क्योंकि उनको जाना है मिडलैंड टाउन में और ये ट्रेन उन्होंने पकड़ी है लंदन से। तो राइटर इस ट्रेन में बैठ चुके हैं और ये ट्रेन बहुत ज़्यादा बोरिंग है क्योंकि ये ट्रेन बहुत जगहों में रुकती है, हर एक छोटे छोटे स्टेशन में ये स्टॉप होती है। कुछ लोग उतरते हैं तो कुछ लोग चढ़ते हैं उस ट्रेन में। बार बार जब ये ट्रेन रुकती है तो राइटर वहाँ की विंडो से बाहर देखते हैं और फिर उसके बाद अंदर की ओर देखने लगते हैं। पर इनके साथ आपको पता है एक ट्रैवलर है, फ्लाइट ट्रैवलर है। अच्छा, इनको नहीं पता कि इनके साथ भी एक ट्रैवलर बैठे हुए हैं। अब क्या होता है, आगे थोड़ी देर बाद ट्रेन का डिब्बा पूरा खाली हो जाता है, जितने भी पैसेंजर होते हैं वो सब एक स्टेशन में चले जाते हैं, उतर के चले जाते हैं। अब ये राइटर बिल्कुल ट्रेन में अकेले पड़ जाते हैं, अलोन हो जाते हैं। अब ये राइटर ट्रेन में बिल्कुल अकेले हो जाते हैं क्योंकि जितने भी पैसेंजर होते हैं वो सारे उतर जाते हैं, उनका ना मंजिल आ जाता है तो उन लोग उतर जाते हैं। अब आपको पता है जब ट्रेन का डिब्बा खाली हो जाता है, जब हम लोग अलोन हो जाते हैं तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे ज़ोर ज़ोर से गाना गाना और अपने आप से ही बातें करना, जोक्स मारना और ज़मीन में ना बैठ जाना, मार्बल्स खेलना मतलब कंचे खेलना और बहुत कुछ। और हम लोग ना बिल्कुल फ्रीडम महसूस करने लगते हैं, एकदम हम लोग फ्री हैं। हम लोग को ये नहीं लगता कि कोई हम लोग से बोलेगा कि विंडो खोल दो, विंडो बंद कर दो। ऐसा होता है ना जब हम लोग के बगल में कोई बैठा रहता है तो वो यही बोलता है, विंडो खोल दो बहुत गर्मी लग रहा है, या विंडो बंद कर दो बहुत ज़्यादा सर्दी लग रहा है ना, ऐसे कुछ लोग होते हैं। तो यहाँ पर तो कोई भी नहीं है और बिल्कुल राइटर एकदम फ्रीडम हो गए हैं, मतलब आज़ाद हो गए हैं एकदम। बट ये है ना कि उनके दिमाग में ऐसा आया ही नहीं कि वो खाली डिब्बे में क्या करें, उनके दिमाग में कुछ नहीं आया, वो बस सोचते रहे मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ। उनके दिमाग में ये बिल्कुल नहीं आया कि वो ज़ोर ज़ोर से गाना गा सकते हैं या फिर अपने आप से ही बातें कर सकते हैं, जोक मार सकते हैं या नीचे बैठकर रोल पोल हो सकते हैं या नीचे बैठकर मार्बल्स खेल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उनके दिमाग में ये तो बिल्कुल भी नहीं आया। वो क्या करते हैं कि दूसरी सीट में जाते हैं विंडो के पास और वहाँ बैठ जाते हैं, न्यूज़पेपर लेते हैं और साथ में स्मोक करने लगते हैं। तो क्या होता है, उनके साथ मैंने आपको बताया था ना कि उनके साथ एक फ्लाई ट्रैवलर है, पर उनको ये नहीं पता है कि उनके साथ एक फ्लाई ट्रैवलर है। जी हाँ, ये एक मॉस्किटो है। तो वो मॉस्किटो क्या करता है कि जब वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं ना राइटर, तो उनके पास जाता है, उनकी नोज़ में पहले बैठता है, तो वो राइटर अपने हाथ से हटा देते हैं मॉस्किटो को, तो वो उड़ जाता है। फिर उसके बाद वो मॉस्किटो पूरा डिब्बे में फ्लाई करते हुए फिर वापस आता है, क्योंकि पैसेंजर तो एक ही थे जो कि राइटर थे, वहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। इस बार वो ना उनकी गर्दन में बैठ जाता है। जब वो उसकी गर्दन में बैठता है राइटर के, तब भी वो राइटर ना अपने हाथ से मॉस्किटो को हटा देता है। फिर से मॉस्किटो जाता है पूरे डिब्बे में, ऐसे ऐसे घूम के आता है। फिर उसके बाद वो उनके हाथ में बैठ जाता है। उनके जब वो हाथ में बैठ जाता है तो राइटर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एकदम से, और जैसे वो राइटर उस मच्छर को मारने जाते हैं तो वो उड़ जाता है, मच्छर उड़ जाता है। अब यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं उस मच्छर से कि मैंने यहाँ पे काली टोपी पहन के रखी है, काली टोपी इसलिए मैंने पहन के रखी है। राइटर ये इसलिए बोल रहे हैं कि मैंने काली टोपी पहन के रखी है क्योंकि वो अपने आप को वकील समझ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अब बस बहुत हुआ, अब तुमको मैं मौत की सज़ा सुनाता हूँ क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए प्रूफ भी है कि तुम यहाँ पे देखो, ना तुम्हारे पास टिकट है, ना तुम्हारे पास कोई कूपन है, और यहाँ पे तुम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हो, इसलिए मैं तुमको अरेस्ट करता हूँ और तुमको मौत की सज़ा सुनाता हूँ। अब राइटर के हाथ में एक न्यूज़पेपर तो होता ही है, वो न्यूज़पेपर को रोल करता है मच्छर के पीछे, जो वो भागता है कि अब तो इस मच्छर को मैं मार ही दूंगा। वो मच्छर ना उस राइटर को इतना दौड़ाता है फिर लास्ट में ना वो राइटर बोलते, भाई तुम मेरे भाई हो, तुमने मुझे बहुत दौड़ाया है और मुझे हंसी भी बहुत ज़्यादा आ रहा है कि एक मच्छर ने मुझे इतना दौड़ा दिया, और मुझे बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हंसी भी आ रहा है और गुस्सा भी आ रहा है कि मैं एक मच्छर को नहीं मार पाया और इस मच्छर ने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। मुझे सब पता है कि तुमने ना अपने पीछे पीछे दौड़ाया मुझे और तुमको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मुझे सब पता है, चलो ठीक है मैं तुम्हें नहीं मारता। जब राइटर मच्छर से बात कर रहा होता है ना तो विंडो से आवाज़ आती है, तो जब राइटर बाहर देखते हैं विंडो के तो वहाँ पे कूली खड़ा होता है। कूली को लगता है कि ये राइटर मेरे से कुछ बोल रहा था कि मेरा सामान उठा लो, कि मेरा मंजिल आ गया है, पर कूली को ये नहीं पता था कि राइटर जो है ना वो मच्छर से बात कर रहे हैं। तो राइटर कूली को बोलते हैं, अरे वो ना मेरा आँख लग गया था, पता नहीं मैं कुछ बड़बड़ा रहा था। तो यहीं पे हम लोग की स्टोरी फिनिश हो जाती है। तो इस स्टोरी में यही बताया है कि कैसे एक बोरिंग ट्रेन में छोटी सी छोटी चीज़ भी अगर मिल जाती है तो टाइम का तो पता ही नहीं चलता।
सो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।